हेलो हाय एंड वेलकम टू इंडिया फर्स्ट इंटरेक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर परमाणु और बायोस्कोप वाला दो हिंदी फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म परमाणु की। फिल्म परमाणु की कहानी बहुत ही मजबूत है। अगर आपको परमाणु परीक्षण के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो फिल्म जरूर देखें। हालांकि अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी में बहुत ज्यादा फिक्शन है। असल में जब यह परीक्षण हुआ था तो ये सब कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा फिक्शन इसमें एड ऑन कर दिया गया है। अगर जॉन इब्राहिम की बात करें तो जॉन इब्राहिम ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। ये कहने में गलत नहीं होगा कि जॉन इब्राहिम की अभी तक की अच्छी फिल्मों में से ये एक बेहतरीन फिल्म है। जॉन ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और जॉन अपने इस किरदार में इतना ज्यादा रम चुके थे, वो साफ साफ सिल्वर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जॉन के साथ साथ जो बाकी किरदार हैं वो किरदार भी अपनी अपनी जगह बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं। डायना की अगर बात करें, डायना पेंटी अपने किरदार को बखूबी निभा रही हैं। डायना जिस तरह से एक सेना अधिकारी के रोल में वहां पर दिखती हैं, वो रोल उनको बहुत ज्यादा सूट करता है। और एक बार फिर से बात करते हैं जॉन इब्राहिम की। जॉन इब्राहिम ने जब ये सब्जेक्ट चूज किया था और इसको प्रोड्यूस करने की जब ठानी थी, उस वक्त भी जॉन ने कहा था कि उनको इस सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और जब ये फिल्म देखने हम लोग गए तो और वहाँ पर स्क्रीन पर जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरह से जॉन ने तैयारी की थी, जिस तरह से फिल्म का डायरेक्शन था, फिल्म के एक एक सीन को जिस तरह से शूट किया गया था, फिल्माया गया था, वो काबिले तारीफ है। फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो कहानी फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्लो नज़र आ रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि शायद जैसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो सकते हो पाएंगे इसमें। लेकिन सेकंड हाफ के बाद फिल्म की कहानी में बहुत ज़्यादा टर्न्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है और आखिरी तक आपको इस सीट पर बैठना पड़ेगा अगर आप इस फिल्म का क्लाइमेक्स जानना चाहते हैं। पहले से उम्मीद आप नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा की। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने फिल्म को का सस्पेंस जो है और क्रिएटिविटी जो उसको बहुत ही अच्छा मैच रखा दोनों। अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो फिल्म के क्लाइमेक्स को छोड़ नहीं सकता और पहले से कोई गेस नहीं कर सकता। और जिस तरह से पूरी एक इस परीक्षण के शॉट को फिल्माया गया वो काबिले तारीफ है। जितने एक्टर्स थे, एक्टर्स जो जो एक एक सीन्स कर रहे थे, चाहे वो एक एयरपोर्ट सीन हो, चाहे वो किस तरह से वहाँ पे रिसर्च सेंटर में वो लोग काम कर रहे थे, एक एक सीन को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है और हर किरदार को अपनी शूटिंग इस अपने किरदार को जस्टिफाई करने का पूरा मौका दिया है। फिल्म के डायरेक्टर को अभिषेक शर्मा को यहाँ पर जरूर से वाहवाही मिलेगी, लोग उनकी तारीफ जरूर करेंगे। और अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। अहम किरदार में नजर आ रहे हैं जो फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे वो हैं जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम ने बखूबी अपने किरदार को निभाया है। जिस तरह से 1998 में ये परीक्षण किया गया और जिस किरदार को निभा रहे हैं अश्वथ राणा का, वो किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। और खासतौर पर जॉन की एक तारीफ करनी होगी, यहाँ पर डायलॉग डिलीवरी उनकी जबरदस्त है, उसकी तारीफ हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जॉन और डायना का जो केमिस्ट्री है उसको थोड़ा सा और पर्दे पर दिखाया जा सकता था, उसको बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया। डायना का रोल और ज्यादा हो सकता था। डायना के रोल पर जैसे साफ साफ कैंची चली हो, एडिटिंग के वक्त में टेबल पे बैठ के उनकी उनके रोल को काटा गया हो, साफ साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बाकी किरदारों की बात करें, चाहे वो बमन ईरानी हैं, बमन ईरानी को और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था इस फिल्म में। ये जो फिल्म की कहानी है, बमन ईरानी की एक्टिंग की जिस तरह से तारीफ होती है, बमन ईरानी की एक्टिंग को वो हमेशा दिखा चुके हैं कि उनकी एक्टिंग किस तरह की है, वो जो पूरा उनका एक्सपीरियंस है उसको यूज़ नहीं किया गया। लेकिन अगर जॉन की बात करें तो जॉन का जो किरदार है वो किरदार फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है, लेकिन उसके बाद जो सस्पेंस है, सस्पेंस के साथ साथ जॉन का किरदार आगे बढ़ता चला जाता है। तो फिल्म की अगर किरदारों की बात करें तो जॉन सबसे पहले नंबर पर इस फिल्म में किरदार जो है वो उनका पूरा फोकस डायरेक्टर का लगता है उधर ही रहा। और डायना पेंटी, बमन ईरानी और बाकी जो किरदार हैं उनके उनको जो उनका जो कास्टिंग था और उनके जो रोल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया जा सकता था, शायद उस पर कहीं ना कहीं कोई रोक टोक लगी जिसकी वजह से इन किरदारों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला।
अब बात फिल्म की कहानी की, फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो थोड़ी सी और रियलिटी अगर इसमें रखी जाती तो फिल्म की कहानी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। फिल्म में फिक्शंस बहुत ज़्यादा है, फिक्शनल मूवी थोड़ी देर बाद ये नज़र आने लगती है, क्योंकि 1998 में जो कुछ परीक्षण हुआ था उसको हम सब ने देखा था, पढ़ा था, उसके होने के बाद जब परीक्षण हो गया था उसके बारे में जो जानकारियाँ दी गई थी उसकी अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें फिक्शंस, इस फिल्म में फिक्शंस बहुत ज़्यादा डाल दिए गए, रियलिटी से थोड़ी दूर हटती नजर आई। जिस हिसाब से शुरू से दावा किया जा रहा था कि इस फिल्म की कहानी जो है वो बिल्कुल रियलिटी है, सिर्फ नाम बदले हैं, कहानी नहीं बदली, लेकिन फिल्म की कहानी के साथ छेड़खानी जरूर हुई है, फिक्शनल कहानी हो गई है कुछ वक्त के बाद। लेकिन अगर फिल्म की 1998 में जिस तरह से परीक्षण हुआ उसका जो सस्पेंस क्रिएट किया गया, जो फिक्शनल सस्पेंस क्रिएट किया गया उसकी तारीफ करनी होगी, वो फिक्शनल सस्पेंस जो है वो काबिले तारीफ है। फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो बांधे रखता है, दर्शक अपनी सीट से नहीं उठ सकते, क्योंकि अगर इस फिल्म में सेकेंड हाफ के बाद ऐसा है कि अगर आप को परमाणु परीक्षण के बारे में नहीं पता और आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो 5 मिनट के लिए भी अगर आप अपने ऑडी से बाहर निकलते हैं तो उसके उसमें आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो फिल्म का शुरू से लेकर, खासतौर पे सेकंड हाफ से लेकर आखिरी तक फिल्म का लगातार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म में सस्पेंस क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है। लेकिन फिर से अगर फिल्म में वही कहना चाहेंगे कि अगर फिल्म में फिक्शन से ज़्यादा थोड़ा सा और रियलिटी का मसाला होता तो फिल्म को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ सिंक नहीं हो रहा है। फिल्म परमाणु में जहां तक शुरू से कहा जा रहा था कि फिल्म की कहानी बहुत मजबूत है तो शायद कहीं ना कहीं फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म की कहानी पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, फिल्म के म्यूजिक पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। फिल्म की कहानी और म्यूजिक का जो सिंक है वो आपस में एक दूसरे से बीच बीच में टूटता नजर आता है, जिसकी वजह से म्यूजिक की जो कड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और आइए अब देखते हैं लोगों का रिएक्शन फिल्म परमाणु को लेकर, कि फिल्म देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है। सर क्या पूरा स्टोरी जो मेन आप तो मूवी से देखना चाहिए, स्टोरी बना का मतलब है, रिव्यू तो देखें आप स्टोरी एक बार देख के मूवी सब बेस्ट मूवी सर, इंडिया पूरा मतलब प्राउड कर रहा है सर इंडिया फील करने के लिए सर मूवी देख के। जॉन का काम कैसा लगा? बेस्ट एक्शन तो बेस्ट मूवी था, पूरा एकदम सपोर्ट था मस्त था। फिल्म वाज रियली गुड। या क्या खास क्या लगा फिल्म का? खास ये लगा जितना हम क्लीशेड सिनेमा देखते हैं ये मूवी उससे कुछ अलग कर पाई, बिकॉज ये रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, कोई डांस नंबर्स नहीं थे, कोई रोमांटिक एंगल नहीं था, मूवी वॉज रियली गुड बिकॉज ऑफ द स्टोरी। जॉन्स परफॉर्मेंस वॉज रियली गुड, रियली रियली गुड, वेरी नाइस पैट्रियोटिक मूवी, सॉर्ट ऑफ मूवीज ओनली, वाह, और हर किसी को देखना चाहिए, ऑल इंडियंस शुड वॉच दिस मूवी। मतलब पूरी फिल्म में कास्ट लगी, लास्ट का जो सीन है जब पूरा ब्लास्ट होता है वो सबसे प्राउड फीलिंग लगता है। बेटर एक्टिंग है, जॉन तो पहले से ही पसंद है, बोमन इरानी काफ़ी अच्छा है, डायना बेंटी की बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या खास क्या लगा पिक्चर में? खास ये लगा कि वी इंडियंस आर स्मार्ट लाइक, बट बहुत हम लोग को लोग छोटे देशों में गिना जाता है, बट वी कैन जस्ट आउट स्मार्ट एनी वन वी वॉन्ट। जॉन का काम कैसे लगा? जॉन का काम बहुत अच्छा था, लाइक अच्छा था, मतलब एक्शन सीन में अच्छा आएगा, आपको फनी सीन में भी बहुत हंसी आएगी, एंड सीरियस सीन में आप एक्चुअली वो सीरियसनेस फील करोगे जब वो आता है, जब वो लोग लाइक भारत माता की जय, जब उसने बोला ना जय, लाइक एक्चुअली सीरियसनेस आया, दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत अच्छी थी जी, सब अच्छा था, डायरेक्शन एक्टिंग सब सही था, बहुत अननोन फैक्ट्स बताते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन जैसे इंडियंस का प्लानिंग था कैसे चला, सही था इन शॉर्ट। परफॉर्मेंस कैसा लगा सबका? बहुत अच्छा था, जॉन का, बमन का, सब अच्छे थे, मतलब हाँ अच्छे था। गुड मूवी इज देयर, स्टार कास्ट इज वेरी गुड एंड द स्टोरी लाइन अप इज वेरी गुड, या डायरेक्शन गिवन बाय द डायरेक्टर इज ऑसम। व्हाट वाज सो स्पेशल इन द फिल्म दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? It's a patriotic film. So what you expect from a patriotic film? It's like bound in a, as in it's believed that we are in a good nation as well as. And how was the performance of all the actors? Performance of the actor is awesome. John done a very good job in the movie. Yeah. John को ऐसे character में देख के अच्छा लगा? Yeah, exactly. क्योंकि we always seen Akshay and all of them in these type of character, and this time Akshay, John Abraham done a very good job in this movie. Yeah.
तो ये था पब्लिक का रिएक्शन, और पब्लिक के रिएक्शन के साथ साथ हमने भी आपको बताया कि फिल्म की कहानी किस तरह से रियलिटी से थोड़ी सी अलग होती हुई नजर आई। जॉन ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, बाकी किरदारों को और अच्छे से यूज किया जा सकता है, म्यूजिक किस तरह से सिंक नहीं कर रहा था और कहानी में कहाँ कहाँ कुछ कुछ कमियाँ थी। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन अभिषेक शर्मा ने पहले जो उनकी फिल्मों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे बेहतर नजर आया है। तो अमर उजाला टीवी फिल्म परमाणु को देता है 2.5 स्टार। अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी फिल्म बायोस्कोप वाला की। बायोस्कोप वाला की कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला से अडॉप्ट की गई है। जिस तरह से डैनी और एक बच्ची की कहानी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंगल दिखाती है। यहाँ पर अगर डैनी की बात करें तो डैनी बहुत लंबे अरसे बाद एक सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए हैं और यहाँ पर लोगों में एक उत्सुकता, डैनी और जिस तरह से बायोस्कोप वाला बनते हैं, जिस तरह से गली में घूम के एक बायोस्कोप वाला की तरह एक गाना गाते हुए जाते हैं जब डैनी, तो डैनी का ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। डैनी ने हालांकि अपने किरदारों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले किए हैं और डैनी को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही लीजेंडरी एक्टर हैं। जिस तरीके से डैनी और गीतांजलि थापा की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है एक बच्ची की और बायोस्कोप वाला की, वो कहानी देखना बहुत ही सुखद एहसास दिलाती है। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी कुछ वक्त पे ऐसा लगता है कि जानबूझ के हाइप क्रिएट करने के लिए जिस तरीके से आदिल हुसैन की मौत दिखाई जाती है एक हवाई एक्सीडेंट में, वो सब जब कहानी आती है तो थोड़ा सा लगता है कि कहानी को हाइप करने के लिए, एक जब कहानी को खींचने के लिए ये एक प्लॉट डाला गया है। लेकिन अगर डैनी की बात करें और गीतांजलि की बात करें तो और डैनी की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी प्यारी केमिस्ट्री है। अगर फिल्म के किरदारों की बात करें तो फिल्म में जो भी किरदार, जो भी एक्टर्स इसमें कास्ट किए गए हैं वो उनका काम काबिले तारीफ है, चाहे वो डैनी हो, गीतांजलि थापा हो, टिस्का चोपड़ा हो, आदिल हुसैन हो या विजेंद्र काला, सभी ने अपने किरदार को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, फिल्म की कहानी को बांधे रखा है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर, बल्कि ये कहा जा सकता है काफी जगहों पर फिल्म की कहानी को जबरदस्ती खींचने के लिए कुछ प्लॉट्स डाले गए जिनकी जरूरत नहीं थी, फिल्म की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए फिल्म की में वो प्लॉट्स के जिसकी वजह से कहानी लंबी होती चली जाए। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक एक सुखद अनुभव देता है। जिस तरह से एक बायोस्कोप वाला और एक बच्ची के बीच में जब भी गीतांजलि थापा और डैनी का जो के बीच कोई भी गाना आता है तो वो एक सुखद अनुभव देता है। हालांकि फिल्म के अगर ट्रैक्स नंबर्स की बात करें तो ट्रैक नंबर बहुत ज्यादा काबिले तारीफ नहीं है, लेकिन जब खासतौर पर उस गानों की जगहों पर जब उस वीडियो में हम उस गाने में डैनी और गीतांजलि को देखते हैं तो एक सुखद अनुभव होता है। और फिल्म की अगर ओवरऑल म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का ओवरऑल म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा खींचने के अपनी ओर खींचता नहीं है, और फिल्म की कहानी के साथ साथ जो म्यूजिक गाने डाले गए हैं वो गाने ठीक हैं। एक गाने अगर देखा जाए तो बायोस्कोप वाला जो टाइटल ट्रैक है वो जब आता है तो थोड़ा सा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी गानों की बात करें तो कुछ खास नहीं है। तो आइए अब जानते हैं लोगों का क्या कहना है फिल्म बायोस्कोप को देखने के बाद, डैनी को इतने लंबे टाइम बाद देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, डैनी को इस किरदार में देखकर लोग क्या कहते हैं। उतने खास नहीं लगे मेरे को, मैं जा रहा था इसे भी, मेरे को टाइम था थोड़ा तो मैं बोला देख लो आज, पर उतनी खास नहीं लगी मेरे को। खास मतलब क्या, स्टोरी वगैरह कुछ नहीं, स्टोरी उतनी पसंद नहीं है मुझे, एवरेज लगी। उसका काम बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी टाइम के बाद आए पर बहुत अच्छा काम किए। बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट फिल्म है, यू नो आप काबुली वाला का एक डिफरेंट टर्न दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फिल्म है, और डैनी सर बहुत टाइम के बाद आए तो इट्स बहुत दिल को छू लिए, बस बहुत स्वीट फिल्म है, यू शुड गो एंड वॉच इट। इट्स ब्लेंड विद द फिल्म के साथ, जो भी म्यूजिक और फिल्म के साथ ब्लेंड होता है, लेकिन द थिंग इज जिस तरह से अच्छे तरह से वो उन्होंने पोर्ट्रे किया ईच एंड एवरी कैरेक्टर, गीतांजलि थापा है, डैनी साहब है, और जिस तरह से उन्होंने टेक लिया है, जस्ट नॉट टिपिकल काबुली वाला जो हमने स्टोरीज पढ़ी है बट एक डिफरेंट टेक, तो वो बहुत प्यारी तरह से उन्होंने सजाया, तो आई लव इट। मूवी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन मैं मूवी में कोई इतना मतलब दम नहीं लगा उसमें, सिर्फ मैं एक्टिंग की वजह से मूवी देखा मैं। हाँ डैनिस, हाँ सर जी, हाँ फिल्म देखी मैंने बट ठीक ठीक थी, इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे। स्टोरी वगैरह कुछ जी बिल्कुल, स्टोरी ग्रिपिंग ऐसा मुझे लगा कि ग्रिपिंग है स्टार्टिंग में, बट मतलब इंटरवल के बाद थोड़ा कुछ खास नहीं लगा, थोड़ा स्लो लगा और मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। डैनी डेंजप्पा का काम कैसा था? जी बिल्कुल, डैनी डेंजप्पा का काम अच्छा था, वो हमेशा ही अच्छा करते हैं, और ये फिल्म में भी अच्छा था, जो फिल्म है स्टोरी तो अच्छी थी बट उसका जो डायरेक्शन था अच्छा नहीं था, बट डैनी डेंजप्पा का काम अच्छा था। अभी मैंने बायोस्कोप वाला फिल्म देखी, ठीक है फिल्म, अच्छी लगी मुझे, एक बार देख सकते हैं।
स्टोरी वगैरह कैसी लगी, कुछ खास नयापन लगा? स्टोरी में कुछ ऐसा नयापन तो कुछ नहीं था, थोड़ा काबुली वाला कुछ वो था उसमें, लेकिन डैनी को देखना था मुझे बहुत दिनों के बाद, डैनी कैसे लगते हैं स्क्रीन पे, मुझे डैनी को देखना था तो डैनी को देखने आया था मैं यहाँ पर। डैनी का काम बहुत अच्छा है, डैनी यानी वैसे ही यंग लग रहे अभी भी, यानी जैसे पहले कुछ दिनों पहले उनकी पिक्चर आती जय हो, जय हो में भी थे वो, और ऋतिक रोशन के साथ एक पिक्चर आई थी उनकी, उसमें भी विलन का रोल किया था, तो उनके लिए आया था मैं डैनी को देखना था कि बहुत दिनों के बाद डैनी कैसे लग रहे हैं इसमें, तो अच्छे यानी अभी भी फिट है वो, अभी भी काम कर सकते हैं। तो ये थी जनता जनार्दन की राय, आपने देखा कि किस तरह से लोग बायोस्कोप वाला देखने के बाद लोगों का रिएक्शन आ रहा था और खासतौर पर डैनी को लेकर लोग क्या कह रहे थे। अमर उजाला टीवी देता है बायोस्कोप को 3 स्टार।